हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सिग्नल सिस्टम का चैप्टर वन एलएनबीओ पेडियम का सॉल्यूशन करने कर रहे हैं, जिसमें 1.17 का आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा। इसमें हम 1.17 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस 1.17 नंबर प्रॉब्लम में, जिसमें चेक करना है कि कॉजल सिस्टम है या लिनियर सिस्टम है, इसके बारे में पता करना है। एक इनपुट आउटपुट में रिलेशन दे रखा है, मतलब कि सिस्टम दे रखा है, तो कैसे पता करेंगे कि सिस्टम कॉजल है या लिनियर है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं मैथोस इंग्लिश चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। तो इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, एक्सटी किसी सिस्टम में हम इनपुट देते हैं, एक्सटी को हम इनपुट मानते हैं और वाईटी आपका आउटपुट होता है। पहले में चेक करना है कि ये कॉजल सिस्टम है या नहीं। यहां पे जो आउटपुट है एक्स साइन टी है। कॉजल सिस्टम वैसे सिस्टम को बोलते हैं जो आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। आउटपुट इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड ना करे, मतलब ऐसा कोई केस ना हो कि t इक्वल टू 5 के लिए इनपुट दे रहे हैं, t इक्वल टू 5 के लिए इनपुट दे रहे हैं और t इक्वल टू 3 के लिए आउटपुट आ जाए, मतलब इनपुट बाद में दे रहे हैं आउटपुट पहले आ जाए। अगर ऐसा एक भी केस आता है तो सिस्टम कॉजल सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। ऐसा एक भी केस जिसमें y के अंदर t का वैल्यू है ना, y एट t इक्वल टू समथिंग वैल्यू है ना, y एट t इक्वल टू समथिंग, y के अंदर जो t की वैल्यू होगी वो स्मॉलर हो जाएगी, जैसे y एट t1 इक्वल टू x एट t2 यूज हो रहा है, और t1 लेस देन t2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। एक भी केस ऐसा आ गया तो, ठीक है। तो इस वाले में चेक करना है, अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हीटेड ट्रायल वाले मेथड से ही चेक करेंगे। आगे जब ट्रांसफर्सन पढ़ेंगे तो वेल डिफाइंड मेथड होगा जिसके थ्रू हम कॉजल वगैरह ये सब चेक करेंगे। तो वाई टी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स टी है, साइन एक्स टी है, एक्स ऑफ साइन टी, सॉरी। तो टी की कुछ कुछ वैल्यू पुट करेंगे, मान लिया जीरो पुट किए तो वाई जीरो इक्वल टू साइन जीरो जीरो होता है तो एक्स जीरो आ जाएगा, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे आउटपुट निकाल रहे हैं तो टी इक्वल टू जीरो का इनपुट यूज कर रहा है, ठीक है। हमेशा प्रयास करेंगे कि मतलब फ्यूचर पे डिपेंड कर जाए, और ऐसा कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं दे पाए जिसमें आउटपुट इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर पा रहा है तो कॉजल सिस्टम होगा। तो यहां हम एक वैल्यू देते हैं, टी की वैल्यू माइनस पाई पुट कर देते हैं, वाई एट टी इक्वल टू माइनस पाई है ना, आउटपुट एट टी इक्वल टू माइनस पाई, पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास होती है, 22/7 x साइन पाई, साइन 180 डिग्री जीरो होता है तो x जीरो हो गया, एक इनपुट एट t इक्वल टू जीरो यूज कर रहा है, आउटपुट हम t इक्वल टू माइनस पाई पे निकालना चाह रहे हैं, इनपुट t इक्वल टू जीरो यूज कर रहा है, तो t इक्वल टू जीरो जो है वो माइनस पाई से बड़ा है ना, मतलब t2 t1 से बड़ा आ गया ना, x के अंदर वाली वैल्यू y के अंदर वाली वैल्यू से बड़ा आ गया तो ये नॉन कॉजल हो गया। ऐसा एक भी कंडीशन आ जाता है, हम प्रयास करेंगे कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आए जिसमें y के अंदर वाली वैल्यू x के अंदर वाली वैल्यू से छोटी आ जाए। ऐसा कोई भी एग्जांपल हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं पता कर पा रहे हैं, तब कॉजल होगा, तब जाके कॉजल होगा। एक भी केस में x के अंदर वाली वैल्यू y के अंदर वाली वैल्यू से बड़ी आ गई तो नॉन कॉजल, ठीक है, ते नॉन कॉजल सिस्टम। जैसे किसी को झूठा साबित करना है, बेईमान साबित करना है, तो उसके ईमानदारी से मतलब नहीं है कि कितनी ईमानदारी किया, कितना सच बोला, उससे मतलब नहीं है। हम कोई एक केस देखते हैं कि बंदा कब झूठ बोला है ना, कोई एक केस में भी बंदा झूठ बोला या बेईमानी किया तो वो बेईमान कहलाता है। तो ऐसे ही यहां भी केस है, किसी एक केस में भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये नॉन कॉजल होगा, ईमानदार नहीं होगा। आगे समझे, अब बी पार्ट हम इसका करने जा रहे हैं। बी पार्ट में चेक करना है इज सिस्टम इज लीनियर, लीनियर सिस्टम
वैसे सिस्टम को बोलते हैं जो होमोजीनियस एज वेल एज एडिटिव हो। लीनियर सिस्टम हम किसको बोलते हैं, मतलब अगर x1 किसी सिस्टम में इनपुट दे तो y1 t आउटपुट आ रहा है और x2 t इनपुट दे रहे हैं तो y2 t आउटपुट आ रहा है, देन हम एक ऐसा तीसरा इनपुट लें जो ax1 t प्लस bx2 t हो, इस ए इस सिस्टम में इनपुट दे तो आउटपुट जो आए y3 t इक्वल टू आए a by 1 t प्लस b by 2 t, मतलब इनपुट में a से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट भी a से मल्टीप्लाई हो जाए, इनपुट ऐड करें तो आउटपुट भी कोरस्पोंडिंग ऐड होके आए, वैसे सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिस्टम में हम चेक करेंगे कि ये लीनियर है या नहीं। अगर y1 t हम निकाल रहे हैं तो x1 sin t होगा, y2 t निकाल रहे हैं तो x2 sin t होगा, लेट कर रहे हैं थर्ड इनपुट इक्वल टू ax1 t प्लस bx2 t, देन थर्ड आउटपुट y3 t इक्वल टू होगा x3 sin t, x3 t इनपुट देंगे तो x3 sin t आउटपुट आएगा, x t इनपुट दे रहे हैं तो x sin t आउटपुट आ रहा है, इसलिए एक्स थ्री टी हमने लेट किया, यहां टी को रिप्लेस करते हैं साइन टी से, तो राइट साइड में भी जहां जहां टी है वहां साइन टी से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा एक्स टी की एक्स थ्री टी की वैल्यू है ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी, तो एक्स थ्री साइन टी की वैल्यू होगी ए एक्स वन साइन टी प्लस बी एक्स टू साइन टी, मतलब ये जो y3t है ना इसको y1 और y2 के टर्म में लाना है, किसके टर्म में लाना है, y1 और y2 के टर्म में लाना है, और y1 और y2 के टर्म में हम लाने का प्रयास करेंगे, और लाने के बाद अगर ये a y1t plus b y2t के इक्वल आएगा तो ये लीनियर सिस्टम होगा, अदरवाइज लीनियर सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो x3t को हम x1 x2 के टर्म में ले आए और x1 x2 से हम y1 y2 भी ला सकते हैं, x1 x2 का रिलेशन y1 y2 के टर्म में दिया हुआ है, तो ये देखिए x1 sin t यहां पे है और x1 sin t की वैल्यू y1 t है, हम रिप्लेस कर दे सकते हैं, पुट कर दे सकते हैं x1 sin t की जगह पे y1 t पुट कर सकते हैं, ठीक है तो पुट कर दें, ये a y1 t हो जाएगा, ऐसे भी x2 sin t की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं y2 t पुट कर सकते हैं, तो a y1 t plus b y2 t आ गया, हेंस लीनियर सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है, तो दूसरे का भी यस आंसर आ गया और पहले का तो नो आंसर था ना, इसका यस आंसर आ गया और फर्स्ट का नो आंसर था, कॉजल नहीं है ये सिस्टम, कॉजल सिस्टम नहीं था, नॉन कॉजल सिस्टम था और ये सिस्टम लीनियर सिस्टम है, तो आप पता कर लीजिए, तो ये 1.17 ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, छोटा प्रॉब्लम था, इसका सलूशन हमने कर दिया, अभी आगे वीडियो आएगी, अभी कुछ इसमें भी बच रहा है ना, 1.19 तो आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं, 1.18 बच रहा है और 1.20 बच रहा है, तो इधर से दो प्रॉब्लम बच रहे हैं, उसके दोनों के वीडियो मैं कल तक डाल दूंगा, अब शेयर ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को करते रहिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, जो भी व्यू कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक कर लिया कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, धन्यवाद।